तो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, और आप लोग मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो बस मैं चलती हूँ यंकी को लेने, तब रास्ते में मिलते हैं। रास्ता इतना खराब जैसा है, ये देखिए, ये इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिससे इसका कांटा होता है। यहाँ हिमाचल में तो इसको बिच्छू बूटी बोलते हैं, जो चुभता भी है, और नेपाल में इसको सिस्नो बोलते हैं। बहुत टेस्टी होते हम लोग तो। हेलो भैया, मैं वीडियो बना रही थी। हम लोग तो बहुत टेस्ट से खाते हैं, शौक से खाते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं। आजकल हिमाचल में भी गर्मी लग गया है, पर इतना बाहर गर्मी लगता है। तो इसी रास्ते से हम रोज चलते हैं, अपने थपटा भी दिखा के चलते हैं। यहाँ भी धूप तो लगी है, पर गर्मी वाला धूप नहीं लगता है। हम अंदर थोड़ा ठंडा होते हैं ना, तो बाहर निकले तो अच्छा लगता है। पर बाहर चल के पौड़िया पुड़िया चल के ऐसे कहीं चढ़ाई चढ़ के आए तो गर्मी लगता है। जो घर के अंदर रहते हैं ना, उनके लिए फिर बाहर निकल के थोड़ा अच्छा फील होते हैं। अब मैं अभी यंकी लेके आते टाइम तो गर्मी होते हैं, चढ़ के ऐसे चढ़ाई चढ़ना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं फास्ट जा रही हूँ अभी, आज लेट हो गया। तो हमारे हिमाचल के कुल्लू मनाली चेंज भी नहीं किया मैं, घर में जैसे थी वैसे ही चली। हाथ से मैं कैमरा पकड़ रही हूँ ना तो हिलता है, चलते चलते सारे हिल जाता है, अच्छा ही नहीं लगता। मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो हाथ से पकड़ के चलने को मुश्किल होता है। ट्राइपॉड होते टाइम भी मैं तो कहीं जाते टाइम तो फ़ोन से ही करती हूँ, शर्म लगता है ट्राइपॉड लेके चलना। वैसे हिमाचल अच्छा है घूमने के लिए, और यहाँ के इन्वायरमेंट भी अच्छा है, हवा पानी सब कुछ, बस पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहले पहले तो इतना आदत नहीं था, बट आजकल तो आदत हो गया। यंकी को यहाँ बैठ के वेट करते हैं हम, उसकी गाड़ी आता है यहाँ, फिर तब रिसीव करते हैं।
बैक टू होम। इधर से चलते हैं हम लोग। चलो चलो भागो भागो आगे भागो। अब गर्मी लगी नहीं अंकु? मैंने आगे आगे होगी। हाँ। पीना पानी पीना। हाँ। कहाँ है पानी? यही पानी है इसमें। इतना दूर से ले आना पड़ता है यंकी को। आते आते थक गए ना यंकी। हाय बोल दो। हाय। और बोलो कैसे हो? बोलो ठीक है। आप पूछो ना लोगों को कैसे हो आप लोग। बोलो यंकी को बैग में यंकी को लेके आ रहे। थक गए तो फिर यहाँ बैठे। ऐसे रास्ते हम चलना पड़ता है। तो फाइनली मैं यंकी को लेके घर पहुंची यार। कुछ शूट आउट करने का टाइम तो नहीं मिला मेरे को, तो यंकी को स्कूल से ले आके यंकी सो गई वहाँ पर। तो मैंने कुछ घर के काम किया, फिर नहाया धोया और बस थोड़ा फ्री हो गए। तो थोड़ा मेरे ब्लॉगिंग को फिर मैंने कंटिन्यू किया। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। ना के सुंदर बन के आ गई मैं। तो बने रहना। बर्तन धो के मैंने ऐसे रखा है, ऐसे इसको रखना है ऊपर, तब मिलूंगी मैं। ये चोरनी क्या लेके चोरी है? क्या लेके चोरी? ये दो शोष नहीं खाती आई हो जाते थी। दो मम्मा दो शोष। बिंदी किसे लगा दिया? बिंदु गंदी। दो मम्मा दो शोष लेके चोरी करके चली गई। इधर मेरे घर के बुरे हाल है। यंकी के कपड़े भी धोना है। मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ ये। फाइनली मेरी हीरोइन 5 घंटे सोने के बाद उठ चुकी है और मैं काम करने लगी हूँ। ये मेरा दिल्ली के लिए, ये मेरे क्या बोलते हैं अब, ये मेरा जॉब है। इसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊँगी। तो मैं आज सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ। पुलाव बनाती हूँ, मिक्स वेज पुलाव। कोई बिरयानी बोलते हैं, मिक्स वेज बिरयानी बोलते हैं कोई के, मैं बोलती हूँ पुलाव। तो मेरी स्टाइल में बनाऊंगी। सब अपने अपने तरीके से बनाते होंगे। मैं सिंपल सा बनाऊंगी, नॉर्मल सा। और अभी मेरे ट्राइपॉड भी बिगड़ गया है, तो मैं हाथ से ही कैमरा करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, इतना तो दिखा नहीं पाऊंगी। तो ये देखो देखो ये लड़की ये क्या कर रही है ये लड़की। तो ये मैं बना रही हूँ पुलाव, पानी पुलाव। पानी पुलाव नहीं, हमारे जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, बिरयानी बोलते हैं कि मिक्स वेज पुलाव बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी बोलो। मतलब मेरे इस साइड इस टाइप के बन चुका है। अब इसको मैंने जितना चावल डाला है उतना ही पानी डालूंगी। मतलब मैंने 2 गिलास चावल डाला था तो 2 गिलास पानी डाल दूंगी। फिर स्टीम लगने के बाद दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। बने रहना मेरे। तो ये मैंने 2 गिलास चावल डाला था इस गिलास के, तो 2 गिलास पानी भी डाल दिया। फाइनली हमारे पुलाव जो बन गया है, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। स्टीम लग गया है। वाव, ऐसा बन गया हमारा पुलाव, मिक्स वेज पुलाव। इसको मैं सर्व करूंगी प्लेट में। तो फाइनली हमारे मिक्स वेज पुलाव या तो बिरयानी आप जो भी बोलो इस टाइप को हो गया है। तो आप लोग भी बना के खा सकते हैं। और बाजार के जो बासमती चावल चूल जो भी होते हैं उनके अच्छा बनता है खाने, मतलब देखने के लिए। पर ये मैंने घर के चावल से बनाया था, तो जो हम डेली यूज़ करते हैं वो वाला चावल से बनाया था। फिर भी खाने में टेस्टी है, पर जैसे जी अलग अलग थोड़ा सा कम होते हैं, पर खाने में बहुत ही टेस्टी है। और मुझे तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो मैंने
सर्व किया है भिंडी के सब्जी से, भिंडी और आलू का सब्जी। ये हो गया बस।